कढ़ाई भी तैयार है, हमारी सलाद भी तैयार है। ठीक, मेरी मामा ने कहा गंदी लाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आप सबको खुशामदीद है। ठीक है, आज यूनिवर्सिटी से ऑफ था तो हमने कहा क्यों ना आज स्टडी व्लॉग किया जाए, और मैंने जो अपनी स्टडी वगैरह की वो हम आपको दिखाएंगे, और मैंने कुछ कुकिंग करनी है, आज एक्सपेरिमेंट करना था कढ़ाई के साथ तो वो करेंगे और आपको दिखाएंगे। सो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत मज़े आने वाला है। आप कुछ टिप्स मिलेंगी, कुछ कोई नहीं टिप्स मिलेंगी। स्टडी कैसे करते हैं, हमारा स्टडी लाइफ कैसे होता है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स स्टडी कैसे करते हैं, और अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं घर आके और सबके काम साथ हेल्प वगैरह काम वगैरह, वो सारा आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर मैं एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। इतना बोला नहीं जाता पर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए जी। मैंने और मामा ने अपने दिन का आगाज़ ऐसे किया कि हम लोग अपने कपड़े का थैला पकड़ के निकल पड़े बाजार की तरफ, क्योंकि रमज़ान आने वाला है। जिस तरह हम ईद की तैयारियाँ करते हैं, मैं और हमारे घर में इससे ज़्यादा रमज़ान की तैयारियाँ की जाती है, क्योंकि रमज़ान में जितने आप नए कपड़े पहनते हो या खुशबू वगैरह जो भी अपने आप को संवारते हो उसका ज़्यादा सवाब मिलता है आपको। तो इसी तैयारी में हमने अपने कुछ ड्रेसेस वगैरह बाबा ने ला के दिए हुए थे, हमने वो निकाले और मैं और मामा दर्जी अंकल की तरफ चले गए, क्योंकि रमज़ान में जुम्मे के जुम्मे हमें ड्रेस पहनना होता है, और वैसे भी फिर 27वें 28वें रोज़े 29वें रोज़े को जो ताक रातें होती हैं फिर वहाँ पर तो माशाल्लाह से क्या ही बात होती है। रमज़ान में जितने आप ड्रेस पहने, जितने नई चीज़ों का इस्तेमाल करें उसका आपको दुगना ही सवाब मिलता है। तो इसी तैयारियों में मैं और मामा चले गए थे, और हम जाके हमने अपने कपड़ों की मेजरमेंट्स दी, अंकल से कटिंग करवाई ताकि वो डिले ना करें और रमज़ान से पहले हमें अपने कपड़े मिल जाएं। सो यही सब था, और देन फाइनली मुझे अपना एक ड्रेस मेरा ब्लैक वाला रेडी हो गया था जिसे मैंने देखा, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी कमी बेशी थी, इस वजह से मैंने अंकल को दोबारा बोला ये करें। और देन मैं अब घर आई और मैंने अपनी स्टडी की तैयारी करनी थी, क्योंकि हमारी कल असाइनमेंट्स थी एक ब्रांड मैनेजमेंट एंड इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान की, तो मुझे उसकी तैयारी करनी थी जस्ट बिकॉज कि मैं लीडर थी अपने ग्रुप की। और मैंने जब चेक किया तो मेरी माशाल्लाह से मैकबुक ही नहीं थे चल रही थी। फाइनली मैंने इनको चार्ज वगैरह किया और अपनी मैकबुक ऑन की, सॉरी मेरी नहीं है, मैं शोक मार रही हूँ, मेरे भाई की है तो उसने मुझे हैंड ओवर की हुई है। सो मैंने इसको चार्ज किया और देखा कि वाईफाई का पासवर्ड ही चेंज है। देन मैंने पासवर्ड लगाया और मैंने अपने नोट्स टेलिंग कर ली थी कि मुझे किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, क्योंकि मैं वो स्टूडेंट हूँ जो मस्ती भी पूरी करती है, बैक बेंचर भी है, लेकिन स्टडी में को नो कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, हम और यहाँ पे मुझे शेरनो बहुत तंग कर रही थी, बार बार मैकबुक पे आ रही थी, बार बार मस्ती कर रही थी, बस काम नहीं थी करनी नहीं। फिर फाइनली मैंने स्टार्ट किया रिसर्च करना, क्यों पहले मुझे रिसर्च करनी थी इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान के असाइनमेंट पर जो थी हमारी मेट्रो। ठीक है, हमने उसकी फैक्ट्स एंड फिगर निकालने थे, उसकी इंफॉर्मेशन बसेज सैलरी एम्प्लॉयज़ लोन इन्वेस्टमेंट हाउ मेनी कंट्रीज़ कितने कंट्रीज़ हमारे साथ इन्वॉल्व हैं। देन मैंने उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद फाइनली मुझे ब्रांड मैनेजमेंट की तैयारी करनी थी, क्योंकि हमारे उसके टीचर जो है ना वो चेंज हो चुके हैं। सो जो न्यू टीचर आए हैं वो हमारे टीचर्स दे हैव इन्फॉर्मेशन लाइक वाह वाली। ठीक है, तो मैं कह रही थी कि मैं अपनी नॉलेज में थोड़ा इंक्रीज़ करूँ, और मैं जब सर कोई क्वेश्चन करें तो आई गॉट टू नो और मैं उसको फौरन आंसर, बस उसी की तैयारी कर रही थी जो सर ने स्लाइड्स दी हुई थी, केस स्टडी दिया हुआ था, मैंने वो पढ़ा और मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। मैंने अपने स्टिकी नोट्स पे थोड़े की पॉइंट्स लिखे, देन अपने रजिस्टर से जो सर के दिए हुए नोट्स थे हमने वो देखे, और मैंने कुछ अपनी स्लाइड्स वगैरह देख ली थी इंटरनेट पर जो होती हैं, फिर मैंने कुछ पिक्चर्स एंड कुछ कलर थीम वगैरह देखिए कि ब्रांड मैनेजमेंट में आपकी मार्केटिंग किस तरह अच्छी होती है, अगर आपकी ब्रांड इमेज अच्छी हो आपकी मार्केटिंग कलर्स कैसे इफेक्ट करते हैं, मार्केटिंग रीच कैसी होती है, आपकी कंपनी का विजन मिशन कैसे आपको इफेक्ट करता है। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद ब्रांड का नेम, उसकी कलर थीम, देन उसका स्लोगन, आपका लोगो, ये सब चीज़ें हमारे ब्रांड को किस तरह इफेक्ट करती हैं और कितना अच्छा हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर से इससे ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी टैली कर रही थी और इसी तरह मैं स्टडी करती हूँ। ठीक है, ज़्यादातर इस तरह स्टडी नहीं मेरी होती, बस ऑन द टाइम जब कोई असाइनमेंट वगैरह या प्रेजेंटेशन हो सो उसी दिन हम वो देखते हैं और स्टडी करते हैं। हमारा ये अच्छा पॉइंट होता है कि हम जो हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे होते हैं ना, हम उसके नोट्स मेकिंग करते हैं। वैसे तो स्लाइड्स ऑनलाइन का आजकल ज़माना है, तो स्लाइड्स वगैरह सब चीज़ें आपको इंटरनेट पे गूगल पे सब मिल जाते हैं, लेकिन जो चीज़ आप नोट्स मेकिंग में करते हो ना
मुझे लगता है कि वो बेस्ट है आपकी स्टडी के लिहाज से। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप बनाएं, अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हाँ आपकी अक्सर पेरेंट्स कहते हैं जो चीज़ लिखी हुई होती है वो कभी भूलती नहीं है, ठीक है, और जो आपने याद की होती है ना जेहन में होती है वो भूल जाती है, और लिखा हुआ हमें हमेशा हमें एक अच्छा इम्पैक्ट देता है। सो ये भड़ों वाली बातें, तो इसी वजह से हम शुरू से नोट्स मेकिंग करते आए हैं, ठीक है, जो हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छा हमारे मिड्स में फाइनल्स में हमें हेल्प करता है। सो इसी वजह से मैं दुआएं और ईमान खासतौर पे हम लोग नोट्स बनाते हैं, फिर पूरी क्लास के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, एट द एंड हम ये मैसेज आते हैं कि ब्रो नोट शेयर कर दो, ब्रो ये कर दें वो। सो दिस इज़ द हाउ वी स्टडी, ठीक है, लेकिन इस तरह डेली लैपटॉप खोल के नहीं स्टडी होती, एट द मोमेंट ही हम स्टडी। सो गाइस हम बनाने लगे हैं कढ़ाई, तो कढ़ाई का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं विद मामा की हेल्प के साथ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं कढ़ाई बनाना। कढ़ाई बनाने में सबसे मुश्किल काम होता है प्याज काटना, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल है। इसे काटने के बाद जो आंखों से आंसू आते हैं, जो आपने किसी को तंग किया ना वो सारे आंसू ऐसे निकलते, ठीक है, जो किसी के आंसू निकाले होते हैं वो ऐसे निकलते हैं। उसके बाद हमने मसाला बनाया जिसमें हमने लाल मिर्च, लहसुन, अदरक और ग्रीन अनियन ऐड किया था, और इसे अच्छी तरह नमक डाल के मैश कर लिया। गाइस प्याज कट करना इतना ईजी नहीं, देखें आंखों में से पानी आने लग गया मेरे, ठीक है, प्याज हमने कट कर लिया, ठीक है, अब इसको अपने के साथ रखेंगे, ठीक है, और फिर इसको फ्राई करेंगे ताकि थोड़ा बहुत ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, और देन अपने मसाला ज़्यादा करेंगे साथ के साथ। तो ऑयल मैं अपनी मर्ज़ी से ऐड नहीं करती, ऑयल मैं हमेशा मामा से पूछ के ही ऐड करती हूँ, क्योंकि मामा को मेजरमेंट्स का पता होता है। सो इस तरह मामा मुझे गाइड करके बस इतना या इससे ज़्यादा। सो ऑयल मैं हमेशा मामा से पूछ के ऐड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऑयल होते तो फिर कोई खाना पसंद नहीं करता, इस वजह से। गाइस ऑयल हमने डाल दिया है, ठीक है, और ये मेरे से खुल नहीं रहा, मामा ने खोल कर मेरी मामा ने कहा गंदी लाल, ठीक है, आई एम नॉट, हाँ फिर डालेंगे, ठीक है, इससे पता क्या होता है हमारी कढ़ाई की जो खुशबू है वो इन्हेंस हो जाती है, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, और मैं वो जो लहसुन अदरक का पेस्ट किया हुआ वो ऐड करके, और प्याज और लहसुन ऐड करके इसको रख देंगे ताकि अच्छी तरह से कम वगैरह इसमें जो गलना है वो गल जाए, फिर इसमें हमने आधा चम्मच पहले ऐड किया हुआ, इसमें हमने ना धड़ा मिर्च भी किया है, अदरक लहसुन है, और वो जो ग्रीन अनियन होता है ना वो भी हमने इसमें पीसा हुआ, ठीक है। ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून जो है ना वो ऐड करेंगे, लेंगे क्योंकि आधा चम्मच पहले है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो हमारे चिकन ने सारा जो ऑयल था ना अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया था ना, वो सारा बाहर आ चुका है, इसका मतलब हम इसके अंदर हम अपनी बाकी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं। ताकि ये भी मैंने टिप्स देखी थी, अनियंस एंड टमाटर, इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा ब्लैक पेपर, थोड़ी सी रेड चिली, बस खत्म होने वाला, तो ये हम सारा ऐड कर देंगे थोड़ा सा, और हल्दी। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, देंगे थोड़ा सा कोरमा मसाला, ठीक है, तो कढ़ाई लेकिन कोरमा मसाला भी ऐड करते हैं, ठीक है, इससे टेस्ट अच्छा होगा, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि हमारा जो
चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए, पक जाए। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से हमारा ना पक जाए। बस इतना करेंगे क्योंकि चिकन का अपना भी थोड़ा पानी होता है, वो भी अभी निकलेगा। अब हम इसको ना थोड़ा देर दम पर रखेंगे ठीक है, ताकि अच्छी तरह पक। मामा इसका ढक्कन देना कढ़ाई का। अभी जाके खुद जाके क्रीम लेकर आई हूँ ठीक है। रबिया को भेजा था, बदतमीज लेकर ही नहीं आई, कह रही मिल ही नहीं रही। साथ चल के अब देखते हैं हमारी कढ़ाई कहाँ तक पहुँची है। इसमें ना पड़ते हैं जाते हम ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 2.5 चम्मच दही के, क्योंकि ज़्यादा नहीं करना है। फिर क्रीम भी ऐड कर लेंगे इसमें। क्रीम अभी ऐड करेंगे और थोड़ी सी एंड पे ऐड करेंगे ठीक है। कढ़ाई को खूबसूरत बनाने के लिए, उसकी प्रेजेंटेशन के लिए, उसको गार्निश करने के लिए यहाँ पे मैंने हरा धनिया और अदरक को ब्रेक ब्रेक कट किया ताकि मेरी कढ़ाई थोड़ी प्यारी सी लगे, थोड़ा सा उसका लुक आए। पंजाबियों ने कढ़ाई बनाई है और साथ में सैलड ना और रायता ना, ऐसा हो नहीं सकता। सो मैंने कहा लगे हाथ हम तैयार करते हैं अपनी सैलड ठीक है। मैंने यहाँ पे खीरे को अच्छी तरह से वॉश किया, देन उसको मैंने पहले राउंड शेप में कट किया, फिर मुझे कहा कि अनियन को अगर मैं क्यूब शेप में कट कर रही हूँ, और मैंने टमाटर को भी क्यूब शेप में ही कट किया था, तो मैंने कहा क्यों ना उसको भी क्यूब शेप में कट करते हैं। और उसको अच्छी तरह से हमने मसाला क्या लगाना था, मैंने नमक और लेमन लगा के बस उसको मिक्स करके रख दिया था। मैं ऐसे सेक्शन बना के रखी थी कि मिक्स ना हो, पूरी लुक करनी चाहिए मेरे सैलड की। तो गाइस कढ़ाई मैंने बना ली है, ब्रह्मदा भी आएंगी तो वो खाएंगे। देखें कढ़ाई भी तैयार है, हमारी सलाद भी तैयार है ठीक है, रोटियां मामा ने बना ली है, साथ के साथ बनाएंगी ठीक है। और जब आएंगे ना मज़ापी तब वो टेस्ट करके बताएंगे कैसी बनी है। और तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सॉरी सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ कर दिया करें, हम बड़ी मेहनत करते हैं ये सब बनाने में। चलिए जी मामा ने सर्व कर दिया सबको, अब ये सारे टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे बनना है ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ। रमजा तो कुछ बोल ही नहीं रही। हाँ रमजा कैसा बना, बोल मजा आ रहा। बहुत सही है। अभी आई है ना इस वजह से। चलिए गाइस हम खाना खाने लगे, तब तक आप हमारे ब्लॉग को शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।